The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, those we have already talked about pneumonia, and about coronavirus, and ARDS, respiratory infections. Today, we will talk about हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के हॉस्पिटल के अंदर जी हाँ अस्पताल के अंदर आपको रिस्क होता है बहुत ही खतरनाक इंफेक्शन हो जाने का बहुत खतरनाक निमोनिया हो जाने का हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ये क्या है क्या बला है और ये आपको कैसे जानलेवा हो सकता है ये बात करें हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया नॉर्मल निमोनिया से भी खतरनाक है जी हाँ हॉस्पिटल के अंदर होने वाली बीमारी अपने आप में खतरनाक है क्यों कैसे काइको लेट्स अंडरस्टैंड सो दिस हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एक्वायर्ड मतलब हॉस्पिटल से मिली हॉस्पिटल से मिली निमोनिया लंग्स का फेफड़ों का इंफेक्शन है जो के हो रहा है हॉस्पिटल में रहने के वजह से और यह निमोनिया जानलेवा है बहुत सीवियर है वेरी खतरनाक और जान ले सकता है वेरी फेटल ये निमोनिया वैसे निमोनिया एक कॉमन इलनेस है जो कि बाहर के किसी जर्म्स कम्युनिटी इक्वायर्ड निमोनिया बहुत कॉमन है किसी को भी वायरल निमोनिया हो सकता है बैक्टीरियल निमोनिया फंगल निमोनिया हो सकता है वायरल बहुत ज्यादा कॉमन अति कॉमन हर साल होने वाला फ्लू है कई लोगों को निमोनिया हो जाता है लेकिन जो लोग हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं वो पीपल हु जो ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर है कई बार वो जर्म्स को फाइट नहीं कर सकते उन्हीं की इम्यूनिटी वैसी बहुत वीक है सो so, कई बार हॉस्पिटल के अंदर रहने वाले जर्म्स ऑलरेडी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां एंटीबायोटिक्स हैं जहां पे डिसइंफेक्टेंट्स हैं लेकिन फिर भी अगर वहां वो जिंदा है तो वो रेजिस्टेंट है वो ऐसे डेंजरस रेजिस्टेंट हो जाते हैं ट्रीटमेंट से कि वो ट्रीटमेंट जो बाहर के निमोनिया को मार दे रहा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया पे काम नहीं कर रहा निमोनिया so, जो कि ऐसे लोगों को हो जाता है जो हॉस्पिटल के अंदर है और जानलेवा हो सकता है कैसे होता है रेस्पिरेटर मशीन जो है जो कि आपको सांस लेने में मदद करती वेंटिलेटर मशीन उस पर रहने वाले को पेशेंट को भी निमोनिया हो सकता है और ये एक हेल्थ केयर वर्कर यानी डॉक्टर नर्स वार्ड बॉय इनमें से किसी से भी हो सकता है जो कि निमोनिया अपने हाथों से अपने पे अपने कपड़ों से एक आदमी से दूसरे एक बीमार आदमी के पास गया हाथों में निमोनिया लग गया हाथ धोए बगैर दूसरे के पास चला गया तो उसको दे दिया ऐसा हो सकता है या फिर अनहाइजीनिक कंडीशन से उसने अपने ड्रेस को लगाया और ड्रेस जाके दूसरे को लगा और उससे उसको लग गया ये भी हो सकता है जी हाँ हॉस्पिटल में अनहाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकती है इसीलिए इसीलिए आपको हॉस्पिटल में सब जगह लिखा दिखते हैं हाथ धोइए पैर धोइए ग्लव पहनिए गाउन पहनिए अपने सेफ्टी मेजर जरूर लीजिए पेशेंट्स के पास हैंड सैनिटाइजर पड़े होते हैं जितने अल्कोहल रब पड़े होते हैं राइट और भी काफी रिस्क फैक्टर्स हैं अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं और आपको इनमें से कोई चीज है जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी दारू पीते हैं अल्कोहल अब्यूज हैं तो दारू पीने वाले लोगों में हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ज्यादा देखे गए हैं जो जिसकी पे छाती का ऑपरेशन हो रहा है मान लो मेजर सर्जरी हो रही है, खुल रही है। तो छाती खुल रही है तो स्किन और पहला जो ऊपर का लेयर है जो बचाता है वो तो वो तो खुल गया उसके अंदर निमोनिया आराम से घुस सकता है तो वहां रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है घुसेगा जरूरी नहीं है पर घुस सकता है सो हाइजीनिक कंडीशन एंटीबायोटिक्स और केयर बहुत जरूरी है आइसोलेशन जरूरी है फिर अगर आपकी ऑलरेडी वीक इम्यून सिस्टम है या किसी इलाज से वीक है जैसे कैंसर का इलाज आपकी इम्यूनिटी वीक कर देता है कोई मेजर चोट लगी हो तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है कोई लंग की क्रोनिक बीमारी है, है या सीओपीडी है या लंग कैंसर है ऐसी बीमारियां दिक्कत कर जाती हैं या फिर एस्पिरेशन हो जाए किसी चीज का खाने पीने का सलाइवा का पानी का लंग में चला जाए तो उसके वजह से ऑलरेडी स्वेलिंग प्रॉब्लम स्ट्रोक हो सकता है निमोनिया हो सकता है अगर आप ओल्ड एज में हैं ओल्ड एज कैटेगरी साठ सत्ताठ पैंसठ के ऊपर तो भी रिस्क ज्यादा है और ब्रीदिंग मशीन वेंटिलेटर पे है तो ज्यादा है तो ये सारे केसेस में हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है और ऐसे में याद रखिए निमोनिया ओल्ड चेंजेस में सीधा मेंटल चेंजेस और कंफ्यूजन भी कर सकता है तो सिम्टम्स थोड़े अलग होंगे ऑब्वियसली थोड़े खांसी बलगम ग्रीन या फलगम स्पूटम आएगा ही थोड़ा फीवर चिल्स होगा ही भूख नहीं लगेगी कभी उल्टी भी हो सकता है उल्टी बुखार भी हो सकता है नौजिया वॉमिटिंग हो सकता है छाती में दर्द हो सकता है सांस फूल सकता है लेकिन हॉस्पिटल में रहते अगर आपकी धड़कन एकदम से बढ़ जाती है आपकी ब्लड प्रेशर गिरने लगता है आपको अनइजी लगता है आपको जनरलाइज डिस्कम्फर्ट मैलेज होने लगता है तो ये इंडिकेशन हो सकता है इन सारी सिम्टम्स के साथ कि आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो रहा है अब ऐसे में जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है उसमें भी टेस्ट सिमिलर ही होते हैं जैसे नॉर्मल निमोनिया में हमने ए किया आर्टेरियल ब्लड गैस ब्लड कल्चर किया स्पूटम कल्चर किया छाती का एक्सरे या सी स्कैन किया कंप्लीट ब्लड काउंट किया पल्स ऑक्सीमीटर देखा हमने ब्लड स्पूटम कल्चर स्पूटम स्टेन करके देखा किस प्रकार का निमोनिया वो यही सब यही सारा सारा का सारा इसमें करना पड़ेगा और वो बैक्टीरिया वो वायरस ढूंढना पड़ेगा जिससे हुआ या याद रखिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और नॉर्मल निमोनिया में फर्क है हॉस्पिटल के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है वो ऑलरेडी काफी रेजिस्टेंट हो गए होते हैं इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो है वो ओरल तो चलेंगे नहीं आपको इंजेक्टेबल ही देने पड़ेंगे और थोड़े हैवी एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ जाती है ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की मशीन की जरूरत पड़ जाती है और डेंजरसली जानलेवा बीमारियां भी बन जाती है निमोनिया से आपके निमोनिया <coughs> से पानी भर सकता है लंग्स में न्यूमल प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है पल्मोनरी एडिमा हो सकता है प्लूरल फाइब्रोसिस हो प्लूरल हाइपरटेंशन हो सकता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है बहुत सारी बीमारियां कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सारी मतलब लंग्स के अंदर बीमारियां बढ़ जाती हैं याद रखिए जिन लोगों को कोई और सीरियस कंडीशन नहीं है वो तो उनके तो चांसेस हैं कि वो निमोनिया से रिकवर कर लेंगे लेकिन जो लोग एक्चुअली सीरियसली बीमार है वो इसके चपेट में आके जान से हाथ धो बैठ सकते हैं हॉस्पिटल अक्वायर निमोनिया बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग या लॉन्ग टर्म लंग डैमेज कर जाता है तो इसका प्रिवेंशन बहुत जरूरी है अस्पताल के अंदर इसीलिए अस्पताल में आईसीयू में ज्यादा लोगों को नहीं जाने दिया जाता आपको पेशेंट के बगल में नहीं बैठने दिया जाता क्योंकि आप अकेले सिर्फ उस पेशेंट के लिए नहीं आजू बाजू वाले पेशेंट्स को भी बीमार कर सकते हो बाहर से कीटाणु अंदर ला सकते हो सो so, ये छोटी सी बात नहीं है हॉस्पिटल के रूल्स फॉलो करने होते हैं सो प्रिवेंटिंग स्प्रेडिंग जर्म्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ओनली वे द बेस्ट वे टू डू दिस द बेस्ट वे इज टू वॉश योर हैंड्स हाथ जोरदार तरीके से धोना है जैसे हमने बताए पूरा प्रॉपर <coughs> 60 सेकंड तक तीस से साठ सेकेंड तक या अल्कोहल रब से चारों तरफ से जैसा बताया जाता है अस्पताल में कि कैसे कैसे धोना है वैसे पूरे तरफ से अच्छे से धोना है और अगर आपको बीमारी है तो फिर अस्पताल मत जाइए अपने बीमार लोगों से मिलना आपको भारी पड़ जाएगा उनको भारी पड़ जाएगा कोई ऑपरेशन हुआ है तो फिर एज आई सेड रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी होगी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से लंग्स खुलते हैं और इमोनिया के निमोनिया के चांसेस बढ़ कम हो जाते हैं हॉस्पिटल प्रोग्राम्स अलग अलग हॉस्पिटल अपने अपने तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया को ख़त्म करने के लिए रेगुलर हॉस्पिटल के अंदर क्लीनिंग होती रहती है वहाँ पर एंटी स्प्रेज होते रहते हैं बैक्टीरियाज वायरसेस को ज पनपने की जगह ना देने के लिए ऐसे निमोनियाज जो जिसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या नेसोकोमियल निमोनिया वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी कहते हैं या हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया भी कहते हैं जानलेवा हो सकते हैं सो so, याद रखिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट हियर एंड यही बीमारी अगर आपको किसी जानलेवा बीमारी के साथ हो जाती है तो जान जाने का खतरा और बढ़ जाएगा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एक डिफरेंट निमोनिया है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एक डिफरेंट निमोनिया है और निमोनिया जब कहते हैं तो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है फेफड़ों का इन्फेक्शन यानी लंग्स का इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है सो so यह सारी इंफॉर्मेशन जरूर आगे पहुंचाइए अगर किसी को कोई डाउट है तो सवाल पूछिए लाइक like करिए वीडियो को शेयर करिए मैं डॉक्टर परमजीत जब आप वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो यूट्यूब से वो वीडियो आगे प्रमोट किया जाता है आगे लोगों को दिखाया जाता है ना कि उल्टे सीधे वीडियोस, ना कि अनपसन वीडियोस लोग देखने रहते हैं कई बार सिर्फ रिएक्शन देना कई बार सिर्फ ठीक है आपको जो इन्जॉय करना आप करिए लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को फैलाना भी आपका काम है सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक आर ऑल अदर वीडियोज अगर अब तक आपने दूसरे वायरसेस जैसे कि कोरोना वायरस हमारा निपा वायरस हमारे जो पहले आ चुके हमारे कोल्ड का वीडियो कफ का वीडियो आ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का वीडियो राइट सोर थ्रोट का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए उन वीडियो से आपको समझ में आएगा कि छोटी मोटी बीमारियों में कब कौन सी जांच करनी है और कैसे समझना है कि बीमारियों से कैसे बचे सो थैंक यू सो मच गाइज ऑल यू हैव टू डू इज स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी